हाय स्टूडेंट्स, तो लेवल टू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो दो क्वेश्चन के दो पार्ट में। इसमें कंप्लीट रिंग के बारे में पढ़ना है हम लोग को। देखिए, कंपटीशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं, है ना, लेकिन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला तैयार हो जाता है जो आप फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट टेक आउट कर सकते हैं। लेकिन आता कैसे है ये हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, डेरिवेशन 12th एग्जाम में इसी का डेरिवेशन पूछ देगा 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का। ओके, तो आराम से आप डिराइव कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पॉज करके जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट लिख लिए होंगे, जल्दी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों मिटा देते हैं, अभी क्लियर करते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, याद क्या रखना है, आप तो पॉज करके लिख ही लेंगे। हम बोल देंगे कि ये ऑप्शन इतना जो आंसर आया बाबू, ये जो ऑप्शन होगा टिक आउट कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रिंग है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, मेडिकल क्वेश्चंस सीबीएसई पीएमटी एम्स नीट कुछ क्वेश्चन ट्रिपल ई में पूछे गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हम लिखे हैं और ट्रिपल ई में भी पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न स्टाइल चेंज कर दिया था, एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया था। क्वेश्चन का आंसर वही था, लैम्डा के फॉर्म में था, चार्ज के फॉर्म में दे दिया था। बस कैसे अभी बताते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं रिंग का। पहला क्वेश्चन है कि एक रिंग है, रिंग है ना, उस रिंग पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आवेश जो है वह एक समान रूप से वितरित है ना। तो ये रिंग जो आप देख रहे हैं सर, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखा जाए, हिंदी में क्वेश्चंस लिखा हुआ था, सामने पता चल गया होगा। तो देखा जाए कि आवेश इस पर वितरित है एक समान रूप से, ओके, रिंग है। रिंग को अगर हम ओपन कर देंगे तो सीधी रेखा बन जाएगी, और सीधी रेखा का निर्माण बहुत सारे बिंदुओं के मिलने से होता है। तो सोचिए, अब हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सरल रेखा का निर्माण बिंदुओं से होकर या बिंदुओं के मिलने से होता है, क्यों ऐसा कह रहे हैं बच्चों, जरा सा देखिएगा। यहां पे केंद्र है, केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्रीयता का मान निकालना है। किसके कारण? इस रिंग पे जो आवेश है वितरित, उसके कारण, और वो आवेश है क्यों। अब देखिए सर कि यहां पर इस रिंग के कारण एकाएक डायरेक्ट विद्युत क्षेत्रीयता निकालना संभव नहीं है, तो हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लेते हैं, है ना। डायरेक्ट एक ही बार में आप कहें कि सर हम निकाल लेंगे, ये डायरेक्ट संभव नहीं है सर। हम छोटे छोटे एलिमेंट मान करके और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे पूरा का पूरा समझ में आएगा देखिएगा। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने माना जिस पर आवेश हमने मान लिया डीक्यू, और वैसा ही एक एलिमेंट यहां पे माना, यहां भी आवेश डीक्यू, छोटा सा बिंदुवत आवेश बाबू। क्यों ऐसा कह रहे हैं बिंदुवत आवेश बाबू, सोचो जरा सा, मजा आएगा। कि अगर कोई भी बिंदुवत आवेश होता था उसकी उस आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्रीयता का मान होता था KQ/r2। तो सोचो जरा सा कि यहां अगर बिंदुगत आवेश ले लिए तो इससे अगर इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्रीयता निकालेंगे इसके कारण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस आवेश के कारण, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं और माइनस की ओर आती है, तो जैसे ही यहां पे प्लस रखेंगे तो प्लस से दूर भागेगा, क्योंकि प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो उस तार को, जो तार को हम रिंग बनाए हैं, उसको खोल देंगे तो सरल रेखा बन जाएगा, सीधी रेखा में आ जाएगी, और उसमें से एक छोटा सा भाग काटेंगे, वो बिंदुवत है, ठीक है। तो जैसे ही हम छोटा सा भाग काटेंगे तो इसकी त्रिज्या आर है, दिया हुआ प्रश्न बच्चों, इसको आर मान लेते हैं, छोटा आर। अब देखिए, प्लस से दूर यानी विद्युत क्षेत्र रेखा इधर भागेंगे, बहुत बढ़िया।
अब इसके कारण भी अगर हम वहां पे विद्युत क्षेत्रीयता निकालेंगे, वाह, तो ये आ गया फिर से वही प्लस से दूर, क्या बात है, प्लस से दूर, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी प्लस से दूर और यहां भी प्लस से दूर, ओके। तो हम अभी दो एलिमेंट माने हैं बच्चों, ऐसे ऐसे हजार एलिमेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो सोचिए जरा सा, समझिएगा, बुक में बहुत सारे बुक में क्या करता है इसको कि एक एलिमेंट मान करके बना देता है और बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं। दो एलिमेंट से कंप्लीटली बताते हैं कि अगर एक एलिमेंट मानेंगे तो चार्ज का इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेके क्यू तक, पूरा एक ही भाई है, सब उसका है। लेकिन अगर दो भाई है, दो एलिमेंट है, तो इसका हक है आधे पे और आधे पे दूसरे भाई का। ये कह रहा है कि तुम्हारा क्षेत्र यहां से यहां तक है, हमारा क्षेत्र यहां से यहां तक है, यानी मेरा क्षेत्र है आधे के कारण और तुम्हारा क्षेत्र है आधे के कारण, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्यू बाई टू, यहां से यहां तक क्यू बाई टू, यानी दो एलिमेंट हम मान लेंगे तो क्यू बाई टू आवेश डिवाइड होगा। अरे वाह, तो आप बताइए सर, एक छोटे से भाग के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता, तो k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू आवेश के कारण यहाँ पे बिंदु वो मान लेते हैं, आप पी मान लेते हैं जी, पी घटक तोड़ना होगा तो चलिए उस समय मिटा के लिख देंगे। फिर डी क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान का मान, ओके, तो क्या हो जाएगा, डीई का मान तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों, डीई बराबर, क्यों ऐसे मोड लगाए, क्योंकि माइनस रहता तो भी मान प्लस में आता, क्योंकि माइनस रहता तो दिशा अपने आप आ जाता उसकी ओर, लेकिन मान तो वही होता, यानी आ गया के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। धन्यवाद। अब यहां का बात अगर हम लोग करेंगे सर, तो विद्युत क्षेत्रीयता इसके लिए भी उतना ही आएगा, इसके लिए भी उतना ही आएगा, क्योंकि यहां पर भी दूरी वही है, जितना दूरी ये उतना ही दूरी है, क्योंकि ये रिंग है, तो यहां से हरेक जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब से इसकी दूरी आर होगी। तो क्या हो जाएगा, अब चलिए कौन मान लेते हैं, क्योंकि घटक का बात हम करेंगे, तो यहां पर थीटा, तो ये भी शीर्षाभिमुख कौन से थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होना पड़ेगा, बाप बाप करके होगा बच्चों, क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि त्रिज्या है, ये एक्स है, एक्स है दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों के लिए बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसा भी मुंह कौन से, तो बताइए जिधर कोण होता था उधर कॉस, बहुत बार बताए हैं बच्चों, डी का मान डी होता है, डी सदिश का मान मतलब डी, जिधर कोण है उधर कॉस और उसके लंबवत साइन, वारे वाह, बहुत बार बताए हैं, जिधर कोण उधर घटक कॉस और उसके लंबवत साइन, अब इसका घटक भी इधर डी कॉस थीटा, जिधर कोण उधर कॉस और उसके लंबवत साइन, तो डी साइन थीटा। ओ, जितनी क्षेत्र रेखाएं ऊपर जा रही हैं उतनी ही क्षेत्र रेखाएं नीचे आ रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, कट जाएगा। तो बताइए सर, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता जो आएगा वो सिर्फ आगे की ओर आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर दिया, निष्फल कर दिया, तो दोनों जुटेगा, तो क्या लिखेंगे कि अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता
का परिमाण क्या जाएगा? डी सदिश का मान, डी सदिश डैश कर लेते हैं क्योंकि ये डी डी है तो फिर डी लेके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको हमने क्या मान लिया, परिणामी को डी डैश मान लिया। क्या माना? डी डैश। तो बताइए सर, इसका घटक जिधर कोण है उधर कॉस होगा, इसका घटक जिधर कोण है उधर कॉस होगा, इसका घटक लंबवत में साइन होगा, इसका भी घटक लंबवत में साइन होगा, साइन वाला वो कैंसिल कर देगा, डी साइन थीटा कैंसिल टू इच अदर, देन रिजल्ट टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता का मान जो होगा वो होगा डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, यानी आ जाएगा डी डैश बराबर टू डी कॉस थीटा। तो डी डैश बराबर टू, डी का मान निकाल चुके हैं के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वेर, और कॉस थीटा चलिए देखिए, तो कॉस थीटा आराम से समझ में आएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण यानी एक्स बटा आर, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो यहां से रख देंगे एक्स वाई आर, यानी आ गया डी डैश बराबर। अच्छा, अगर हम एलिमेंट लिए हैं उससे उसके केंद्र से इस एक्स की दूरी तो नियत है, ओके, और जो इसकी त्रिज्या है वो भी नियत है, रिंग की त्रिज्या भी नियत, ये भी नियत, यानी रिंग पर अगर हम घूमते जाएंगे तो उसका आवेश का मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, यानी आवेश बदल रहा है, के तो कांस्टेंट होता ही है 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2kx/r³ dq इंटीग्रेशन, यही तो बात है, यही समझना है, डी डैश 2kx/r³ dq इंटीग्रेशन। चलिए, कुल निकालना है, सिर्फ दो एलिमेंट के कारण निकालना है, छोटे छोटे जो भाग लिए हैं, जो पतला सा भाग उसके कारण निकालना है बच्चों, कि पूरे के कारण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्रीयता का मान आया और इसके कारण विद्युत क्षेत्रीयता का मान आया। तो बताइए सर कि सभी के कारण, तो आपको हम अभी बताए हैं कि इस पे दो भाइयों का हक है, तो एक भाई का हक है यहां से यहां तक और एक भाई का हक है यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक एक का, यहां से यहां तक एक का, यानी कि अगर हम एक एलिमेंट लेते तो जीरो से लेके क्यू तक लेते हैं, और अगर हम दो छो भाग ले लिए हैं छोटा छोटा तो दोनों के लिए जीरो से क्यू बाई टू, जीरो से क्यू बाई टू, यानी कि दो भाग लेने के कारण टू तो पहले से आ चुका है, यानी आवेश कहां से कहां तक समाकलन जीरो से लेके क्यू बाई टू तक, और यहाँ जीरो से ई तक। एक भाई कह रहा है कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक है, और एक कह रहा है यहाँ से यहाँ तक है, यानी जीरो से ई तक है, अब आवेश जीरो से यू बाई टू तक है। वारे वारे। तो इंटीग्रेशन जो होगा डी डैश का वो होगा जीरो से ई तक, और टू के एक्स बाई, अच्छा याद कीजिए आर कितना जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अच्छा इसको लिख सकते हैं आर, चलिए ये लिख देते हैं आर, यानी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3, और डी क्यू का समाकलन क्यू जीरो से लेके क्यू बाई टू तक। जल्दी से समझिए, तो क्विक रिवीजन, इसके कारण विद्युत क्षेत्रीयता इस बिंदु पर आ गया के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ये वाला आर स्क्वायर आ गया, इसके कारण इधर होगा उतना ही मान आएगा, इसका घटक जिधर कोण है उधर कॉस हो उसके लंबवत साइन, यानी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, इसका घटक डी कॉस थीटा नीचे डी साइन थीटा, ये दोनों दूसरे को निष्फल कर देंगे, परिणामी आ गया टू डी कॉस थीटा, टू डी डी का मान निकाल चुके हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा आधार बटक कर्ण आ गया, लेकिन आर नियत है इसके लिए सेंटर से इसके बिंदु की दूरी, तो ये जो भाग है उसका दूरी आर नियत है, ये केंद्र से दूरी एक्स नियत है, उसका लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो आवेश बढ़ता जाएगा, यानी कहां से कहां तक, जीरो से क्यू बाई टू तक, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट माने हैं, दो भाग माने हैं। तो बताइए सर, जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी क्विक, हाँ पॉज करके लिखने में कितना देर लगता है मेरे भाई, जल्दी
तो कितना गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर कितना आया था 2k, कितना आया था वहां पे 2k बाय आर क्यू इंटू एक्स, और dq का इंटीग्रेशन q 0 से q बाय 2 तक नहीं आया था ना, तो e इक्वल टू 2kx r क्यू। अच्छा r की जगह मान रख दिए थे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट था और उसका पावर 3, तो कितना जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट है तो पावर 1 बाई 2 होगा यानी 3 बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी आ गया e बराबर 2k q 2kx r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 इंटू q बाय 2 से 2 कट गया, आ गया e का मान k इंटू qx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। ये आता है फॉर्मूला बाबू एक समान रूप से आवेशित रिंग के केंद्र से जाने वाले अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, और अगर k के बारे में कहें तो इतना भी रख सकते हैं इंटू qx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। यही लाना था बच्चों, यही लाना था, लेकिन इसमें और भी एक क्वेश्चन बनेगा जो आपका होमवर्क है, और बनाइएगा नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आज हम चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं, मतलब चैप्टर तो खत्म हो चुका है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम करवाते हैं क्लास में उसी स्टाइल में यहाँ भी करवा रहे हैं, है ना। उसके बाद कल चैप्टर अगले क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, एक वीडियो इसके बाद और होगा दो क्वेश्चन का, उसके बाद के वीडियो में है ना आपका नया चैप्टर, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो यहां पर E बराबर आ गया इतना फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है, जितने सारे क्वेश्चन होंगे सर जो भी डाउट होगा आपको कमेंट कीजिएगा, जैसे ही 8-10 क्वेश्चन होगा, जितने सारे बच्चे हैं कमेंट करेंगे पूछेंगे क्वेश्चन, और एक साथ जैसे ही 8-10 होगा एक उस पर लेक्चर वीडियो निकाल देंगे। ओके, बस आप पढ़ते रहिए खूब अच्छे से, जो भी डाउट होगा पूछिए बताएंगे, है ना। तो E इक्वल टू 1/4πε0 qx बाय इतना आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि केंद्र से जाने वाले अक्ष से कितने दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान महत्तम होगा। ओह महत्तम, तो क्या हो जाएगा, q नियत है, r नियत है, ये नियत है 1/4πε0, यानी कि E जो है वो x पर निर्भर कर रहा है, तो E जो है x का फलन है, तो d बाय dx बराबर 0, और जब अवकलन करेंगे u बाई भी पे तोड़ेंगे तो भी से गुना u का अवकलन माइनस u से गुना भी का अवकलन बटा भी स्क्वायर सोल्व करेंगे, वहां से x आएगा, और जैसे ही x आएगा उसे x का मान यहां पुट करेंगे तो e आएगा, e x का फलन है, फिर से सुनिए, तो e का अवकलन x के साथ 0 आएगा तो x का मान निकल जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे तो e का मान महत्तम आ जाएगा। क्लियर, तो जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो सीबीएसई का भी है, पीएमटी का, और या ट्रिपल ए पूछा था उसको, जल्दी अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्ताकार रिंग है, है ना, कैसा है अर्धवृत्ताकार, तो देखा जाए बच्चों, अर्धवृत्ताकार रिंग जिस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है, पहले बनाते हैं जो सीबीएसई में पूछा था उसको, और फिर उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस पीएमटी वाला हो जाएगा, जो मेडिकल में, मेडिकल के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, मेडिकल वाला अभी, और फिर IIIEEE वाला इसी में चेंज कर देंगे। ओके, तो देखा जाए यहां पर
जब हमको केंद्र पर भी दूसरे देवता का मान निकालना है बच्चों, तो हम लोग यही सोचेंगे कि यहाँ अगर हम सिमेट्री देखें तो देखिए तो यहाँ सिमेट्री है, नहीं तो ऐसे हमको समाकलन करना पड़ेगा जीरो से लेके 180 डिग्री तक, लेकिन उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा घटक एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब समझ में अच्छे से नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यहां से पूरा का पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा। ओके, यहां पर एक छोटा सा भाग मानते हैं, जिस पर आवेश डीक्यू है, क्योंकि ये भी जो आप देख रहे हैं सर, ये जिस जितना आपका दिख रहा है ये लंबाई ओ कितना है, देखिए ना यहां से आइए, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई, क्योंकि इसी का यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट जो ट्रिपल में पूछा था, तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, बताइए अगर इसकी त्रिज्या आर है तो लंबाई जो इसकी होगी वो अर्ध परिधि के बराबर होगी, वृत्त की अर्ध परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, यही यूज करेंगे सर, यानी लैम्डा, लैम्डा याद कीजिए, लैम्डा इक्वल टू होता था क्यू बाई एल या लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, परिवर्तित होता था तो ऐसा और नियत रहता था तो ऐसा, यानी एकांक लंबाई में जो आवेश होता है उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसको क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं और एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल, रो इक्वल टू क्यू बाई एल, परिवर्तित होगा तो ये और नियत रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, हम इसका यूज पहले किए भी हैं, आज करेंगे भी, मिटा इसको जल्दी से। तो देखिए यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, एल जो है उस अर्थ वृत्त की अर्थ परिधि है, यानी कि कितना पाई इंटू आर। तो देखा जाए बच्चों यहां इसके कारण याद करो प्लस से दूर छोटा सा भाग माने बच्चों, उस छोटे से भाग को हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, अभी काम देगा, जिसका लंबाई dl है, जिस पर आवेश dq है, ये कोण जो है छोटा सा वो d थीटा है और ये r है, ये o है। ओके, केंद्र o, त्रिज्या r, आवेश dq, लंबाई dl, चाप की लंबाई, और ये d थीटा। अच्छा याद होगा लैम्डा इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एल, अभी तुरंत बताए, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल मतलब आर डी थीटा, कैसे अभी तुरंत बता रहे हैं, बहुत काम का चीज है सर, लाजवाब, बहुत काम देगा आपको ये, है ना, आगे भी बहुत बार काम देगा, मत कहो कितना बार, है ना। लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, पूरे पर आवेश q तो छोटे पे आवेश dq, तो यहां से लैम्डा इक्वल टू आ गया dq बाई dl, तो dq इक्वल टू आ गया लैम्डा इंटू dl, लैम्डा छोड़ दिए dl कैसे आया, तो थीटा इक्वल टू होता है l बाई r, तो dl इक्वल टू r d थीटा, यानी कि dl की जगह रख दिया r d थीटा, यानी आ गया लैम्डा r d थीटा, आया बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वो इधर होगी कितना डी, क्योंकि थीटा कोण पे हमने एक छोटा सा भाग माना जिसका कोण है डी थीटा, और जस्ट इसका मिरर इमेज देखिए तो सर मत रो मेरे दिल चुप हो जा हुआ सो हुआ, है ना, तो यहां पर डी क्यू है, तो dq यहां पे है, यहां d थीटा है, ये थीटा कोण है, जस्ट लग रहा है कि उसका मिरर इमेज ये है, यहां पे मिरर रखा जाएगा तो इमेज बनेगा, सोचने में आराम होगा। अब इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र होता है इससे दूर होगी, तो छोटा सा एलिमेंट dq है तो विद्युत क्षेत्र होता d है, समझा रहा होगा, तो बताइए सर अब हम लोग क्या सोचेंगे कि हमने दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया, तो क्या कोण लेके चलेंगे जीरो से 180 तक, अब पूरे पे हक नहीं है क्योंकि दो लोग हैं, तो दो लोगों का हक होगा जीरो से 90 तक, जीरो से 90 तक, अंडरस्टूड, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां से, तो हम लोग को एक काम
देख आइए जो अभी आ चुका है। अब बताइए पहले ये हमको बताओ कि डी क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीयता के लिए यहाँ दूरी आर है, आवेश डी क्यू है, तो विद्युत क्षेत्रीयता डी है, यानी डी का मान जो होगा वो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए सर दोनों के कारण सेम होगा मान, क्योंकि त्रिज्या वही है और आवेश वही है, तो डी क्यू आवेश के कारण डी क्यू आवेश के कारण ओ बिंदु मान लेते हैं इसको, ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो होगा वो डी सदिश का मॉड होगा कितना, तो के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों मॉड लगा रहे हैं? क्योंकि माइनस रहता तो गड़बड़ हो जाता, अगर प्लस है तो दूर और माइनस होता तो और, यानी पॉइंट इसका माइनस होता तो और यानी परिणामी ऊपर जाता। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर आ जाएगा बच्चों के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू का मान रख देते हैं डी बराबर के इंटू डी क्यू, चलिए लास्ट में रखेंगे। अब बताइए ये कोण अगर थीटा है, क्योंकि यहां भी बहुत सारे बुक्स जो होते हैं यहां पे थीटा मान के बनाते हैं, नो टेंशन, थीटा यहां पे होगा तो साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन, साइन का माइनस कॉस, तो वैसे ही समझ लेंगे। तो बताइए यहां अगर थीटा है तो सिरसा विमुख कोण से ये भी थीटा होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके? तो यहां पर अगर कोण थीटा है तो ये थीटा हुआ, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा है तो सिरसा विमुख कोण से ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ? चलिए लिख ही देते हैं, नो टेंशन। तो जिधर कोण थीटा रहता है, हम बार बार कहे हैं सर कि जिधर कोण थीटा रहता है उधर घटक होता है क्या, तो डी कॉस थीटा यानी कॉस वाला टर्म, तो क्या जाएगा इधर आ जाएगा डी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा डी साइन थीटा, इसका घटक पीछे की ओर डी कॉस थीटा और नीचे की ओर डी साइन थीटा। समझिए सर, इसका d का घटक होता है, हो जाएगा इधर क्योंकि थीटा है तो d cos थीटा और इधर हो जाएगा d sin थीटा, इसका घटक इधर हो जाएगा d cos थीटा, इधर हो जाएगा d sin थीटा। अंडरस्टूड? तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला इसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखाएं आगे जाएंगी उतनी क्षेत्र रेखाएं पीछे जाएंगी, एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलीफाई, निष्फल कर देंगे। तो क्या आएगा सर, तो जल्दी से पॉज करके इतना लिखिए, जल्दी जल्दी मिटाए, चलिए तो देखा जाए बच्चों, अतः वो बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, डी सदिश का मान ले लिए बराबर डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। देखिए डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा दूसरे को निष्फल कर दिया, तो दोनों का नीचे घटक डी साइन थीटा, यानी इसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्रीयता जो होगा वो नीचे की ओर होगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, डी डैश बराबर 2d sin theta, तो 2 इंटू डी मतलब k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिएगा अगर हमें यहां से दो लोग हैं, एक लोग रहता तो जीरो से पाई तक, अगर दो लोग हैं तो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहां से आ गया 2k sin theta बाई आर स्क्वायर और डी क्यू, वहां से देखिए, चलिए क्लेम बढ़ा देते हैं। ओके,
ये सब लिख लिए होंगे आप तो पॉज करके। तो क्या आ जाएगा, डीई डैश बराबर 2k साइन थीटा बाय आर स्क्वायर और डी क्यू माने लैम्डा आर डी थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो आ गया डी डैश इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन गच्छा, सोचिए दो एक भाई था तो जीरो से लेके पाई तक, अगर दो होगा तो ये कह रहा है कि मेरा यहां से यहां तक है यानी जीरो से नाइनटी, ये कह रहा है मेरा यहां से यहां तक है जीरो से नाइनटी, डबल हो चुका है पहले से ही यानी कि टू टाइम्स पहले से हो चुका है यानी ये कहां से कहां तक, जीरो से लेके नाइनटी तक, तो जीरो से ई तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से ई तक तो एंगल जीरो से नाइनटी तक, तो ई डैश का इंटीग्रेशन ई आ गया और 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा जीरो से लेके पाई बाई टू तक। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2k लैम्डा बाई आर माइनस बाहर और कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट, तो ई इक्वल टू आ गया माइनस 2k लैम्डा बाई आर कॉस 90 जीरो कॉस जीरो वन, तो आ गया कितना माइनस माइनस प्लस 2k लैम्डा बाई आर, ऐसा ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा बस वेल्यू पुट कर देंगे k का, तो 2 लैम्डा बाई देखिए तो k का वेल्यू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर यानी e बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, अनंत लंबाई के यही जो ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन लिखवाए थे उसमें से जो एक ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने लाया था एक अनंत लंबाई के छड़ का, बहुत अधिक लंबाई के छड़ के कारण जिसको हम अनंत लंबाई कह देते हैं के कारण उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता यही आया था 2k लैम्डा बाई आर या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई आर। ओके, तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस जो थे एक दूसरे के सिमिलर थे इसलिए मैंने इनको सोल्व किया और अगले वीडियो में तुरंत ही ला रहे हैं दो क्वेश्चन और उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।